देखिए क्या करना है, आपको एक इमेज लेनी है या कोई भी कार्टून करेक्टर ले सकते हो। तो मैंने फ़िलहाल इम्पोर्ट टू स्टेज कर लेते हैं। सेंटीमीटर में आ रहा है, अभी चेंज कर सकते हो। कैसे, शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल कंट्रोल के कहाँ से, हाँ कंट्रोल जे, ठीक है, यानी पेज प्रॉपर्टी, और यहाँ पे मैं ले लिया पिक्सल में, तो 550 इसको भी मैंने कर दिया 550, ये थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं 400, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस इमेज के चारों साइड एक बॉर्डर देना है। तो दो तरीके बनाने के, या तो हम क्या करें, इसके बराबर एक रेक्टेंगल बना दें, उसका फिल कलर हटा देंगे और आउटलाइन कलर दे देंगे, एक तरीका ये है। सेकंड मेथड ये है कि हमारे पास यहाँ पे एक टूल होता है पेंट बकेट, ठीक है, इसके अंदर है इंक वाटर, ये वाला आपको यूज़ करना है। बट इससे पहले आपको इमेज को ब्रेक अपार्ट करना पड़ेगा, तो वो अप्लाई होगा। तो मैंने इसको ब्रेक अपार्ट कर दिया कंट्रोल बी, राइट, और फिर मैंने यहाँ से ले लिया इंक बॉटल, और आउटलाइन क्या कलर देना है वो आप यहाँ से डिफाइन कर लो। तो मैंने इंक बॉटल लिया, आउटलाइन, आउटलाइन मुझे देना है आउटलाइन कलर ग्रीन, नहीं लेते हैं, स्पेस उठ करेगा, ये ले लिया थोड़ा सा येलो शेड। आपको इसके अलावा चाहिए तो यहाँ मोर कलर पे आ जाएंगे, हल्का सा येलो लाइट कलर, ओके, और फिर मैं यहाँ जस्ट क्लिक कर दूँगा, ठीक है, कहीं भी बॉर्डर पे क्लिक कर दो, अपने आप ही एक आउटलाइन आ जाएगी। अब आउटलाइन को मोटा करने के लिए उस आउटलाइन पे डबल क्लिक करना, ठीक है, और यहाँ से मैं इसका स्ट्रोक बढ़ा सकता हूँ। और एक चीज़ जो इसकी प्रॉपर्टी में क्या होता है, जब मैं स्ट्रोक बढ़ा रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है कि राउंड आ रहा है ना। इसके भी हम पे स्टाइल होते हैं कि जॉइंट कैसा हो, मीटर में हो या बेवल में हो, ठीक है, तो इसके भी थ्री कैटेगरीज है। तो मैंने सिंपल मीटर ले लिया इस तरीके से, ठीक है, और ये मैंने 20 रख लिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे ऐसे छोटे छोटे रेक्टेंगल्स हैं, एक इधर से ऐसे एनिमेट होता हुआ आ रहा है, एक इधर से ऐसे एनिमेट होता हुआ आ रहा है, ठीक है, और वो कंटिन्यूसली घूम रहे हैं, एक ऐसे कंटिन्यूसली वो चल रहा है, राइट। तो कैसे करेंगे इसको, देखो अब मैं इस फ्रेम को वैसे इसको तो हमें एनिमेट करना नहीं है, हमें इसके ऊपर बॉक्स को एनिमेट करना है, तो वो हम अलग से लेयर पे बनाएंगे। तो मैंने एक और न्यू लेयर लिया और यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट कर रहा हूँ, या जो भी शेप आपको दिखानी है, सर्कल, रेक्टेंगुलर, कोई और शेप दिखानी है वो आप बना लोगे। आउटलाइन इसकी नो आउटलाइन, कलर इसका ले लेते हैं ग्रीन, नहीं वाइट भी नहीं, थोड़ा सा येलो ऑफ वाइट ले लो, यानी येलो शेड में, ओके ये हो गया। अब इसके बिल्कुल बराबर रख लो, तो इसको मैंने हाइट यहाँ से छोटा और इधर से, ठीक है, बिल्कुल ठीक उसके बराबर। अलाइन करना हो इसको, इसको सेलेक्ट किया और कंट्रोल एल, सॉरी कंट्रोल एल लाइब्रेरी है, कंट्रोल के करना है और टॉप अलाइन कर देंगे इसमें, ये फिर ये एंड ये। अब इसमें इसकी पोजीशन हिल जा रही, इसमें कोई लॉक करने का सिस्टम नहीं होता, तो यह मुझे इस वाले में मैन्युअली करना पड़ेगा, नहीं जैसे इलस्ट्रेटर में होता है ना, इसमें नहीं है। हो गया,
ठीक है। अब मैंने क्या किया, सभी को 60 फ्रेम तक, नीचे वाले को तो F5 कर दिया क्योंकि वो मुझे स्टिल रखना है। इस पे मेरा बॉक्स है, इसको एनिमेट करना है, तो इसको मैंने फर्स्ट टू 10 फ्रेम पे या 15 फ्रेम पे, F6 सिलेक्शन टूल, इसको इधर रख दिया ऐसे, और फिर 30 पे गई, F6 इधर रख दिया, थोड़ा सा नीचे मूव, ठीक है, 45 पे गए, F6 60 पे गए, F6 और यहाँ सिंपल, हाँ क्लासिक, ठीक है। तो ये भी हम देखेंगे, तो ये इस तरीके से एनिमेट होगा। आप चाहते हो मैं एक इधर एनिमेट करूँ, ठीक है, हाँ वही कर देंगे। तो यहाँ तक समझ में आया, हमने सिंपल ये कर लिया। लेकिन अब पता है अगर मैं कॉपी लेके करूँगा तो सेम कलर आ जाएगा, बट अगर मुझे डिफरेंट कलर का चाहिए तो, ठीक है, हाँ नहीं 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 नहीं, हमें इसी, अब ये एक्चुअली क्या चाहिए ना, ग्राफिक बन जाता है जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे मोशन या क्लासिक ट्यूनिंग देते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली सिंबल बना देता है उसको। और सिंबल बनाने में ये होगा कि अगर आप एक का कलर चेंज करोगे ना, जैसे मैं इसी कॉपी एक ले पे और रख दिया, तो इसका मैं चेंज करूँगा दूसरे का ऑटोमेटिकली हो जाएगा क्योंकि एज अ सिंबल है, ठीक है। तो अगर मुझे डिफरेंट कलर का चाहिए ना, तो मुझे डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हम अलग कलर दे सकें। जैसे मैं आपको, हाँ करूँगा अगर यहाँ पर, तो ये रहेगा हमें कॉपी, मैंने फ्रेम किया न्यू लेयर पे, यहाँ पे पेस्ट फ्रेम आ गया। लेकिन एक दिक्कत आ गई, होगा मैं ऐसा करता हूँ, लेयर को पूरी कॉपी कर लेता हूँ, राइट क्लिक किया कॉपी लेयर, और उसी के ऊपर राइट क्लिक करके पेस्ट लेयर, ठीक है। अब इसको मैं कर दूँगा रिवर्स, तो अब अगर देखेंगे तो ये इस तरीके से आएगा सेम कलर में, ठीक है। और अगर मैं अब कलर चेंज करता हूँ, मान लीजिए मैंने इस पर डबल क्लिक किया, क्योंकि सिंगल क्लिक करके कलर नहीं आएगा, देखो सिंगल सेलेक्ट कर दो, कलर का ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो फिर मुझे डबल क्लिक करके चेंज करना पड़ता है। और अब अगर मैं यहाँ चेंज करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया ग्रीन शेड में, लाइट ग्रीन लगभग ये, ठीक है, हाँ तो ये देखो अब इस वाले की फ्रेम में तो हो गया, लेकिन उसके अगले वाले की फ्रेम पे, तो फिर मुझे या तो हर एक की फ्रेम पे करूँ, ठीक है, लेकिन फिर वो कलर कोड आपको याद, क्योंकि वो सिंबल है ना, हाँ सिंबल बन जाता है। जैसे मान लो आप सपोज आप कोरल में काम कर रहे हो, कोरल तो आता है ना, नहीं इलस्ट्रेटर में आता है, इलस्ट्रेटर में काम कर रहे हो, आपने ग्रुप बना दिया, अगर 4-5 ग्रुप हैं, आप उसको सेलेक्ट करके कलर दोगे तो क्या होगा, ग्रुप करने के बाद, नहीं ना, तो उसको अनग्रुप करना पड़ता है। तो ठीक वैसे यहाँ पे उसी टाइप का है, जब हम सिंबल बन जाता है ना वो, तो डायरेक्टली कलर चेंज का ऑप्शन नहीं आता है, तो हमें उसको या तो एक्सपेंड करो, एक्सपेंड यानी ब्रेक अपार्ट करो, लेकिन ब्रेक अपार्ट करेंगे तो मोशन हट जाएगा। क्या जैसे इसी टाइप का क्या लेयर में भी ऐसा होता है? कैसे नहीं नहीं नहीं, इसमें इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें हम ग्रुप बना सकते हैं, ग्रुप के अंदर आ सकते हैं, वो समझ गया मैं, लेयर के अंदर कई सारी सब लेयर की, सब लेयर बन जाती है, सब लेयर बन जाती है उसकी, हाँ इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सब लेयर नहीं है, एक ही लेयर रहती है, वो ग्रुप बना के हो सकता है ना, आप ग्रुप बना सकते हो तब बन जाएगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट नहीं है। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट करके यहाँ से फोल्डर बना दिया, देखो फोल्डर नहीं था, हाँ नहीं फोल्डर ही होगा, लेयर के अंदर इसमें होता ही नहीं है, नहीं वो कौन सा था, ये 7 है, 6 है, नहीं उसमें ही नहीं हो, लेके आना फाइल में आपको दिखा दूंगा, कुछ और होगा, वो फोल्डर होगा या फिर ना, जब हम डबल क्लिक करते हैं स्क्रीन की जगह पे, अच्छा यहाँ यहाँ आता होगा ना, ये कह रहे हो क्या, ये खुल के आता है उसके अंदर टीम लेयर, वो तो ये चीज होगी ना, ये कह रहे हो क्या, ऐसे इस टाइप की, ये तो लेयर थोड़ी है, ये तो इसके अंदर 4-5 लेयर बने हुए हैं, वो अलग है, वो मूवी क्लिप है, वो अलग हो गया, समझ गया, मूवी क्लिप क्या होता है, उसके अंदर एनिमेशन के अंदर एनिमेशन बना सकते हैं, एनिमेशन जैसे क्या होता है, मान लो मुझे दिखाना है एक बटरफ्लाई उड़ते हुए दिखानी है, या बर्ड को उड़ते हुए दिखाना है, तो बर्ड में क्या है कि मूवमेंट भी है, साथ की फ्लाई की वो भी है,
तो वो मुझे क्या करना पड़ता है, उसके मूवी के लिए बनाना पड़ता है, ठीक है, एक एनिमेशन मुझे उसके अंदर बनानी पड़ती है, ठीक है, यानी डबल क्लिक करेंगे उसके अंदर एनिमेशन होते हैं, फिर डबल क्लिक करेंगे उसके अंदर और एनिमेशन होती है, ठीक है, हाँ वो भी होता है इसमें, बट वो लेयर नहीं होती है, लेयर नहीं बोलते उसको, सीन बोलते हैं एक तरह का, यानी सीन के अंदर सीन पे हमें जाना अंदर, लेयर्स तो यहाँ आएंगी वो, ठीक है, बाकी जैसे फोटोशॉप में लेयर के अंदर लेयर्स आती हैं वो इसमें ग्रुप की तरह कर सकते हो, वैसे नहीं। तो ये हमारा हो गया, अब मुझे या तो इसका कलर कोड कॉपी कर लो ताकि मुझे सब में वही पेस्ट करना पड़े, अब वो कलर कोड ये है, तो मैंने इस पर क्लिक किया और वो एक उस पर ले करके क्लिक कर दो, इसको कॉपी कर लो, ठीक है, और शिट और फिर इस पर गया मैं, ये कहाँ, यहाँ पे डबल क्लिक, यहाँ पे गए और यहाँ पे पेस्ट एंटर, फिर बैक आ गए, यहाँ पे गए डबल क्लिक पेस्ट, फिर बैक आ गए, यहाँ पे गए डबल क्लिक पेस्ट, यहाँ पे गए हो गए दोनों काफी आप ना, दोनों भी हो गया, ठीक है, क्योंकि सिंबल बन गया ना, असल में मैं आपको दिखाता हूँ उसका रीज़न क्या है, कंट्रोल एल करेंगे ना तो देखिए यहाँ पे जो अभी हमारा ये है, अब सबका ये हो गया कलर, ठीक है, टोटल हमें यहाँ जितनी ट्यूनिंग दी है ना उसके अलग अलग आ जाते हैं, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, अलग से बनाना पड़ेगा, यानी हम ये कर सकते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट नेम मत बनाओ, इसी की कॉपी ले लो कंट्रोल सी, और मैंने न्यू लेयर पे जाके सेम जगह पे पेस्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट वी, ठीक है, अब इसका मैं अभी तो ग्रुप है ही, यानी सिंबल है, अभी तो चेंज करेंगे सबका हो जाएगा, तो उसको ब्रेक अपार्ट कर दो कंट्रोल बी, अब एक ग्रुप से हट गया, अब उससे लिंक हट गया, नहीं सिंबल नहीं बनेगा, अपने आप बने, जब हम मोशन क्लासिक ट्यूनिंग देंगे ना तब अपने आप बनेगा, ठीक है, अब इसका जो कलर देना है वो दे दो, मैंने इसका यहाँ कलर दे दिया, इसको मुझे रिवर्स करना है तो आप वही करना पड़ेगा F6, हाँ ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन ब्रेक अपार्ट करेंगे तो क्लासिक हट जाएगा ना, मैं मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, तो क्लासिक देनी पड़ेगी, ठीक है, तो इससे अच्छा एक देखिए आपको बार बार कलर भी चेंज नहीं करना पड़ेगा, ब्रेक अपार्ट करके आपको चेंज भी करना पड़ेगा, कलर भी देना पड़ेगा, हर एक की फ्रेम में देना पड़ेगा ना, चलो अभी तो चार है हमने कलर दे दिया, लेकिन अगर बहुत सारे कीज होते हैं तो हमें सब पे देना पड़ता, काफ़ी टाइम हो गया था, तो बेटर है कलर वो तो मतलब लगभग दोनों एक ही सेम पड़ जाएगा, हाँ चाहे यहाँ से पकड़ो यहाँ से पकड़ो वही वाला सेंस हो गया, ठीक है, तो यहाँ रखा F6, बाकी जब करोगे तो पता लग जाएगा आपको, आगे रखा F6, एक साथ हमें देना, यहाँ पे क्लिक करेंगे पूरी लेयर सेलेक्ट हो जाएगी, राइट क्लिक क्लासिक नाउ, अब वो अलग अलग कलर आएंगे, कंटिन्यूसली चलते रहेंगे, ठीक है, तो आए सुन में, तो अभी तो आपको मैं ये दे रहा हूँ यहाँ बनाने के लिए, कल आपका टास्क रहेगा एक इमेज में आपको कोई चीज़ दिखानी है यहीं पे ही, कि वो छोटे से बड़े शाइनिंग नहीं होती नहीं, एक छोटे यहाँ बड़ा हुआ एक छोटा हुआ, फिर बड़ा छोटा एक जैसे शाइनिंग इफेक्ट टाइप का होता है, लाइट जल रही एक लाइट यहाँ जली फिर एक बंद हुई फिर जली एक बंद हुई, ऐसे ही बनाना है आपको, जैसे LED लाइट नहीं होती उस टाइप का एक बनाना है आपको इफेक्ट, बट अभी आप सिंपल करोगे, क्या करोगे, एक सर्कल यहाँ ले लो, ठीक है, या रेक्टेंगुलर टाइप में जो भी लेना वैसा ले ले, छोटा पहले यहाँ छोटा रखा फिर कुछ फ्रेम आगे जाके उसको बड़ा कर दिया उसके बराबर, फिर यहाँ पे बड़ा रखा कुछ फ्रेम आगे जाके छोटा कर दिया, उसमें आपको शेप ट्यूनिंग देनी होगी, उसमें शेप ट्यूनिंग देना होगा या मोशन देना हो, क्लासिक काम नहीं करेगा उसमें, शेप या मोशन दोनों वर्क करेंगे, तो वो दोगे फिर उसकी दोनों की कॉपी बना के रख देंगे, तो एक जलेगा एक बड़ा, ऐसा लगे लाइट ब्लिंक करेगी, मैं आपको इसी बताता हूँ, जैसे मान लो मुझे क्या करना है, हाँ इसी लेयर पे मैंने यहाँ पे बनाता हूँ,
इस लेयर में मैंने क्या किया, ये रखा और इस पे कलर मैंने ले लिया रेड, ठीक है, और इससे मैंने दे दिया मोशन ट्विनिंग, ठीक है। अब हमें कहीं पे की F6 नहीं करना है, तो मैं सीधा F5 पे गया, मतलब यहाँ लास्ट पे क्लिक किया, जैसे यहाँ कर्सर रखा 5 पे, और यहाँ मैंने इसको सीधा बस छोटा कर दिया, ऑल्ट्स शिफ्ट के साथ करना, प्रोपोर्शनली छोटा हो गया, तो ये अब यहाँ से ऐसा हुआ, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, एक न्यू लेयर यहाँ पे अलग से बना लोगे, जैसे मैंने इसको बड़े से छोटा किया है, तो यहाँ पहले वाले पे स्टार्टिंग में छोटा होगा, यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, समझ गए, नहीं समझे, नहीं समझे, समझना घर पे, ये टास्क है घर का आपका, जैसे एक लाइट ब्लिंक हो रही है उस टाइप में दिखाना है, एक छोटा से बड़ा, क्योंकि एक हम ग्लो भी कर सकते हैं, ग्लो होते हुए दिखाना हो वो बाद में बताऊंगा, ठीक है, अभी सिंपल शेप्स वाला करके दिखाऊं मुझे, तो ये आपका हो जाएगा। फिर आगे आपको मुझे फिर बड़ा करना है, तो मैं आगे 10 पे गया और यहाँ इसको मैंने बड़ा कर लिया, ये हाँ एक ही पोजिशन पे करना है इसको, अलग अलग काफ़ी सारे बनाने होंगे, एक दो ऐसे कई सारे बनाएंगे, छोटे छोटे बल्ब LED बल्ब बनाने, ले सबके अलग अलग बनेंगे, आप छोटे ऑब्जेक्ट बनाओ ताकि ज़्यादा ना बनाना पड़े, ठीक है, मेहनत वाला काम है, लेकिन ये करोगे तो आपके कई सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे बनाने के बाद, ठीक है, तो हाँ आप जैसे भी करो, बिल्कुल जितने सबके अलग अलग, हाँ बाकी इसका एक और शॉर्टकट तरीका भी है, हम उसको एज अ सिंबल बना के भी कर सकते हैं, ठीक है, बट पहले लॉन्ग तरीके, नहीं तो क्या हो गए, लॉन्ग तरीके से ही रहेंगे कि आपको चीज़ें पता लगेंगी, सीखने में मिलेंगी, ठीक है, फिर बाद में एक शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा इसका।